السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفاء. وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. باب الغسل وحكم الجنب غسل أرجو بك हुक्म का बयान बात में दो चीजें हैं बुनियादी तौर पर इसमें गुसल के अहकाम और दूसरे नंबर पर जुम्बी के अहकाम इसके मुता ये इस बाब में अहादीत आएंगी यानी इस बाब में अहादीत का जो महावर है वो क्या है गसल के अहकाम और जुम्बी के अहकाम गसल क्या होता है आप जानते हैं कि सारे जिसम पर पानी बहाने को गसल कहा जाता है और फिर इसका ख़ास भी एक तरीका है जो आइंदा अदीफ में अल्लाह ने चाहा तो इनशा वो भी पढ़ेंगे जुम्बी जो है वो इंसान इंसान में मर्द और औरत और दोनों शामिल हैं जिससे मनी का अखराज हो इस पर पहले भी हम बात कर चुके हैं कि जुनुब जो है ये बीज से है तो इस लफज की दो वजह तस्मिया हो सकती हैं एक तो ये के मनी जो है वो असल महल से दूर हो जाती है इसलिए इस पर लफ्ज जुनू बोला जाता है और दूसरी बात क्या है दूसरी वजह तस्मिया ये है कि इंसान जो करने वाले काम है नमाज रोजा वगैरह वगैरह जनाबत की हालत में इन कामों से दूर हो जाता है इसलिए लफ्ज जुम्बी बोला जाता है ऐसे आदमी पर या ऐसी औरत पर हलाकुलसल और जुम्बी के काम फिर ये जो जुनूब का लफज है ये मुजक्कर मुन्नस इसी तरह आ, मुफरद तस्निया जमा सब पर बोला जाता है यानी सभी इसमें शामिल हैं कुरान तो करीम में भी इसका तस्करा है व इनकुन तुम जुनूबन बन और अगर तुम जनाबत की हालत में हो तो गसल कर लो हम आते हैं नबी मुकरम वसल्लम के मुबारक फरामीन की तरफ तो सबसे पहली रिवायत अबू खुदरी रजी रवी अन्हु की है काला उन्होंने कहा من रसुल्ला पानी पानी से है और मुस्लिम उन इसको इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया في البخاري जबकि असल ये रिवायत सही बुखारी के अंदर भी है कोई बता सकते हैं इस हदीस का माना क्या है चलिए यहाँ दो मरतबा अलमा आया अलमा का दर्जमा पानी ही होता है तो पहले माँ से मुराद गसल का पानी है पहले अलमा से मुराद गसल का पानी है और दूसरे अलमा से मुराद मनी का पानी है मर्द हो या औरत तो इस अदीस में यह बताया गया कि गसल तब होगा जब मनी का अखराज होगा अलमा उ करना करना अलमा मनी निकलने से है क्या मतलब अलमा उमिन पानी पानी से है जब मनी निकलेगी इंसान का जो ख़ास पानी है जब वो निकलेगा तो उस पर फिर लाजिम होगा कि आम पानी वो बहाया जाए और उसके साथ गसल किया जाए तो ये रिवायत एहतलाम के बारे में है क्योंकि अगर इसको जमा के साथ बनाए तो ये रिवायत मनसूख है उसकी तफासिल भी इनशाला आएगी अव्वल इस्लाम में तो यही था कि जो इंसान अपनी बीवी के पास जाता है और बीवी के पास अगर वो गया तो बीवी के पास जाने के साथ ही गसल क्या हो जाता था फ़र्ज़ हो जाता था लेकिन बाद में आप वसल्लम ने इस बात की वजाहत फरमा दी कि गुसल के लिए इंजाल होना जरूरी है मतलब अः डिस्चार्ज होना ये जरूरी है हम आगे बढ़ते हैं जहां जिसको समझ नहीं आएगी वो सवाल लिख लेंगे या बोलकर सवाल कर सकते हैं इस पर मैं एक रिवायत वो हम देख लें ताकि अल्लाह अकबर कबीरा यह रिवायत आप देख सकते हैं सुनन अबी दाऊद में 214 नंबर पर إنما جعل ذلك رخصة للناس في أول الإسلام لقلة الثياب ثم أمر بالغسل ونهى عن ذلك قال أبو داود يعني الماء من الماء تو پہلے کیا تھا کہ یہ رخصت اول اسلام میں تھی کپڑوں کی قلت کی फिर गुसल का हुक्म दिया गया और इससे मना कर दिया गया हम आगे चलते हैं अबू रईरा रबी से रिवायत है उन्होंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायादा जलसा जब बैठे जब आदमी बैठेगा बई ना शुआबी उसकी शाखों के अल अलबा चार ये हाँ से मुराद लफ्जों में तो मौजूद नहीं लेकिन इसकी जमीर का जो मर्जा है वो इंसान की बीवी है जब आदमी अपनी बीवी के चार शाखों के दरमियान शुआब जो है किनारे पर लफ्ज़ बोला जाता है तो चार शाखों के दरमियान बैठे हा, फिर वो कोशिश करे फकत वज अबल गसलू तो गुसल वाजिब हो जाएगा मुतफकन जाद मुस्तम वे इंजाल ना भी हो आदमी या औरत डिस्चार्ज ना भी हो सिर्फ उनके इस जोहद के साथ ही इस मिलाप के साथ ही गुसल क्या हो जाएगा फर्ज हो जाएगा अव्वल इस्लाम में क्या था जिस तरह दाऊद की वाय तभी हमने देखी इसमें इजाजत थी कि अगर इंजाल ना हुआ तो फिर वैसे ही आ, अपने मुतासर आजा को साफ कर लिया जाता और इनमें नमाज वगैरह पढ़ ली जाती रुख्सत थी लेकिन बाद में फरमा दिया गया कि ऐसा नहीं बल्कि इंजाल हो या ना हो इंसान पर गसल फर्ज है पहले हमने पढ़ा एहतलाम के बारे में आदमी जब सोता है या औरत आदमी मर्द हो या औरत हो जब वो सोते हैं और बस अवकात वो ये जमा वाली हालत देखते हैं और इसके साथ जब बेदार होते हैं तो अपने कपड़ों पर तरी महसूस करते हैं इसको एहतलाम बोलते हैं आगे भी अभी रिवायत इन शह हम मजीद पढ़ेंगे इससे अगली रिवायत तो एहतलाम की सूरत में चूंकि पानी निकला है पानी निकलने की सूरत में अब गसल का पानी उस पर बहाना भी जरूरी है मतलब अलमा उमिन अल्मा। तो ये रिवायत है जमा के बारे में कि जो आदमी जमा करता है खा इंजाल हुआ या ना हुआ ऐसे इंसान पर आ, मर्द और औरत और पर गुसल क्या होगा फर्ज हो जाएगा ये हदीसी मुबारक अपने मफहम में बिल्कुल वाजह है और किस कदर हया वाले अल्फाज पर आ, ये अल्फाज यानी मुश्तमिल हैदी मुबारक शुआब जो है आप जानते हैं कि इससे मुराद ये चार शाखें हैं तो इससे मुराद बीवी के दो बाजू और दो टांगे हैं लेकिन इसकी तफसील नहीं पेश की गई क्योंकि ये मारूफ है आम है सब इसको जानते हैं अकबर कबीरा। अभी सूरत पे गसल क्या हो जाएगा मर्द पर भी और औरत पर भी गुसल क्या हो जाएगा फर्ज हो जाएगा और इससे ये भी आप जानते हैं कि ये सिर्फ आम मिलना मुराद नहीं बल्कि इसकी वजाहत भी है मसल ख़ैनखैतान यदि खास आजाक आपस में मिलाप ये मुराद है ये फातिबा लिख रही हैं कि अगर आ, फीलिंग्स आती हैं और ख़त्म हो जाती हैं तो क्या इस सूरत में गुसल करेंगे या वजू करेंगे जमा के मुताल जब इंसान सोचता है तो उस वक्त जो कतरात ख़ारिज होते हैं उन पर मज़ी लफ बोला जाता है और इस पर वज़ू फरज होता है गसल नहीं गसल यही वो रिवायत हम पढ़े ना अलमा उमिन अलमा से मुराद हमने मनी कहा है मनी है ये वो मादा है जिसके साथ अल्लाह रबुलाज़त से औलाद की उम्मीद रखी जाती है जबकि मजे और चीज होती है हलाकुल हाल दूसरी रिवायत में जो हमने पढ़ लिया वो भी वाज हो गया कि जो आदमी मुबाशरत करता है और खास आजा का भी आपस में मिलाप होता है इंजाल हो या ना हो मर्द या और डिस्चार्ज हो ना हो उल दोनों पर क्या हो जाएगा फर्ज हो जाएगा जी तो इसमें भी आ, हाँ अब हम तीसरी रिवायत पढ़ते हैं उम सलमा बयान करती हैं कि उम सलीम जो अबू तलहा रदी अल्लाह

मा जब वो पानी को देखेगी तो यहां से मालूम हुआ कि एहतलाम जो है इसकी तकरीबन तीन हालतें बनती हैं एहतलाम की पहली हालत यह है कि उसे जो वाक्य ख्वाब में पेश आया वो वाक्य भी याद है और साथ ही उसने मनी के असरात भी देखे हैं तो इस सूरत में तो उस पर उसल क्या होगा वाजिब होगा यानी फर्ज होगा दूसरी सूरत क्या है उसने वाकया तो देखा लेकिन उठकर उसने अपने कपड़ों को देखा तो उसमें मनी के असरात नहीं थे अच्छा तीसरी सूरत क्या है कि उसने वाकया तो नहीं देखा लेकिन वो मनी के असर देखे हैं जी इसके आप में से कोई बताए दूसरी और तीसरी सूरत में उस पर वाजिब होगा या नहीं होगा असलाकुम दूसरी में वाजिब होगा और तीसरी में नहीं होगा नहीं सॉरी दूसरी में वाक्य देखा हाँ जी दूसरी में नहीं होगा तीसरी में वाजिब होगा जी दूसरी सूरत में उसने देखा है लेकिन असल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फर्म, वो फरमाया इदा यही हुक्म मर्द का भी है अब यहाँ रात सीगा तो मोहनस का है लेकिन मर्द भी इसमें क्या है शामिल है सवाल करने वाली औरत है ना तो औरत के मुतालिक आपने जवाब दे दिया लेकिन मर्द भी इसमें क्या है शामिल है जिस तरह औरत शामिल है तो यहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी का देखना इसको शर्त बनाया है तो मनी के कतरात उसने अपने कपड़ों पर नहीं देखे हैं लिहाजा उस पर उसल वाजिब नहीं है और तीसरी सूरत में वाकया तो उसको याद नहीं ऐसे होता है बस अवकात आदमी देखता है भूल जाता है लेकिन जब वो बेदार हुआ तो असरात हैं मनी के इदार पानी देख रहे है वो तो फिर उसल क्या होगा वाजिब है अच्छा यहाँ एक मिलता जुलता एक और सवाल है बस औकात बच्ची है या बच्चा वो अभी यानी बालग हुआ ही है वो बेदार हुआ है और उसके कपड़ों पे आ, पानी के असरात हैं उस बच्चे को या बच्ची को इस बारे कोई इदराक नहीं है बिल्कुल भी नहीं पता कि मनी है क्या है वो इसमें फर्क भी नहीं कर सकता इस सूरत में क्या होगा जी कोई बता सकते हैं अल्लाह अकबर के वीरा इसके मुतालिक राय यह है कि सबसे पहले तो हमें वालदेन को चाहिए इसातदा को चाहिए कि वो अपने बच्चों को ये तालीम दें बच्चों को दीगर बहुत सी बातों का पता होता है तो इन बातों का भी उनको इलम होना चाहिए बहुत से वन बहुत से शर्म के मारे ये मसाइल डिस्कस ही नहीं करते अपनी औलाद के साथ जो कि एक बहुत अजीब चीज है अलाकुल्लहाल सूरत हाल जब यह पेश आए तो उस वक्त अहम ने यह लिखा है कि अगर तो वो लड़का या लड़की जो भी है सोने से पहले उसे इस तरह की फीलिंग्स थी तो फिर तो वो उस पर गुसल फर्ज होगा लेकिन अगर ऐसा नहीं था और खाब भी नहीं कुछ भी उसको नहीं पता तो बाज़ अतिबा ने ये लिखी है बात कि बस मनी के जो कतरात हैं वो बगैर किसी तफकीर के और बगैर किसी झलक के वो ख़ारिज हो भी जाते हैं अला को एहतियात इसमें है कि उस को गसल करना चाहिए और बाद में अपने किसी उस्ताद से या वालिद से इस मसला को अच्छे से वो समझ ले ताकि आइंदा इस तरह का मामला पेश आए तो वो जो दुरुस्त मसला है उसके मुताबिक अमल कर सके अकबर कबीरा

औरत क्या करेगी हौसल करेगी मुतफकन ज्यादा मुस्लिम फकालत उमसिमिम ने पूछा हल हाजा क्या ये होता भी है नाम, आपने फरमाया क्यों नहीं होता है ये फमिन अना शबहू तो मुशाहबत फिर कहा से हो जाती है अगर औरत के साथ ये सूरत पेश नहीं आती कि उसके हाँ जो खास पानी है उसके अखराज नहीं होता तो फिर बच्चों के साथ बच्चों की मां के साथ जो मुशाहबत है ये कैसे हो जाती है तो ये इस बात की दलील है कि ये ख्वाब का मामला अगरचे मर्द को अक्सर आता है लेकिन खातन के साथ ये सूरत बहुत कम है लेकिन दरपेश जरूर है अच्छा कुरान करीम में कायत है अल्लाह इज़्ज़त ने इंसान मिन खलक नमशाज क्या मतलब है इसका سورة الإنسان ما هي نا سورة الدهر ما إنا خلقنا الإنسان من نطفة ان أمشاج نبتلي من نطفة ان أمشاج كي مطلب أنا ملا جل نطفة كسات اب یہ جو ملا جل نطفة ہے اس کے متعلق حافظ ابن كثير رحمه الله کی جو تفسير ہے تفسير ابن كثير اس میں انہوں نے امام مجاہد امام عكرمة حسن اور دیگر बाद मुफसरीन से ये नकल किया है कि इससे मुराद क्या है मर्द और औरत दोनों का जो नुतफ़ा है वो मिलता है तो फिर आगे बच्चे या बच्चे की पेदश जो है वो अमल में आती है और आप जानते हैं इमाम मुजाहिद के हवाले से इदाज़ा का तफसर मुजाहिद इमाम मुजाहिद से अगर आपको कोई कुरान करीम की आयद की तफसीर मिल जाए तो आपको इमाम मुजाहिद की तफसर ही काफ़ी है तो नुतफ़ा मशाज में ये जो तफसीर है ये इमाम मुजाहिद की भी है फिर वो बात अलग है जिस तरह आपने बयान किया कि अगर वो मर्द का पानी गालिब आ जाता है तो फिर बेटे की पेदायश होती है अगर औरत का आ जाता है तो फिर बच्ची की पेदायश होती है जी आयशा वाहन आयशन का रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यग्तसिलु मिन अरबा नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चार वजूहात की बिना पे गुसल किया करते थे मिन अल जनाबा जनाबत से ये बात तो वाजे हो गई वयोम अल जुमुआ और जुमे के दिन वमिनल हिजामा और सिंगी लगाने के बाद और को देने से। जी जनाबत का तो हम पढ़ चुके गसल जुमा का भी आयदा अदीस में इनशाला हम पढ़ेंगे हिजामा जो है इससे कोई गसल नहीं है क्योंकि मसाइल अहमद जो किताब है उसमें रम्ला ने उनकी जो राय है वो क्या है कि लाजामा हजामत से कोई वसल नहीं किया जाएगा और साथ उन्होंने फरमाया कि वही सैफ बुद्ध आन नबी और ना ही नबी मुकरम वसल्लम से इस बारे में कोई चीज़ साबित है तो ये जो इजाफा है من हिजामा ये दुरुस्त नहीं है अच्छा तीसरी चौथी बात क्या है वो मैयत मैयत को गसल देने से इस पर भी हम बात कर चुके हैं अलबत् रिवायत को देखें इबना ने सही करार दिया तो बाज आह के हाँ वो यहाँ उमिनजामा के अल्फाज दुरुस्त भी हैं अलाकुलहाल अगर ये साबित हो जाए तो ये आप ज्यादा से ज्यादा इसको क्या कह सकते हैं कि ये सुन्नत है ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है लेकिन इसको फर्ज का दर्जा हासिल नहीं होगा अब रही बात इसकी हिकमत की कि हिकमत क्या है तो मुकम ने लिखा है कि जब इंसान के जिस्म से खून निकलता है उसके साथ चूंकि इंसान के जिस्म में ज़ाफ पैदा हो जाता है कमजोरी पैदा हो जाती है और गसल के साथ इंसान को क्या मिल जाती है नशात मिल जाती है इंसान चाको बंद हो जाता है तो इसलिए ऐसे इंसान को गुसल करना चाहिए वैसे आज कल भी ना आप अगर हिजामा करवाते हैं तो तबीब जो है वो फौरी तौर पर आपको ये मशवरा भी देगा कि आपने जब मेरे पास आना है खाना पीना कुछ नहीं और हिजामा करने के बाद वो आपको थोड़ा सा टाइम देगा आधा घंटा उसके बाद आपको तल्कन करेगा कि आपने गसल करना है कई वजूहत वो भी बताते हैं जिसमें से खास बात यह है कि चूंकि ब्लड निकलता है और वो कप के साथ और फिर जिसम के दाएं बाएं लगता है तो जरासीम वगैरह की वजह से भी वो कहते हैं कि आपने लाजमी जाकर क्या करना है करना है और फिर बल्कि आजकल तो वो शहद लगा देते हैं ये खून रिश्ता रहता है ना उसको काबू करने के लिए बस अवकात शहद लगा देते हैं तो आपको वजू करना ही पड़ता है अपना गुसल करना ही पड़ता है जी वाली सब ऐसे मना करते हैं गसल के लिए जमा करने के बाद मना करते हैं कहते हैं चौबीस तकरीबन बारह घंटे नहीं करना वो सर क्योंकि उनके अंदर पानी जाने का खतरा होता है ना वो तो इन्फेक्शन हो जाएगी बंदे को अच्छा मेरे जेन में तो आधे घंटे का है शायद नहीं 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 नहीं, कम से कम बारह घंटे अच्छा जी जी सही शहद वगैरह लगाते हैं साथ शहद बहुत कम लगाते हैं इसका जो है ना कुलंजी का तेल लगाते हैं जैतून का तेल लगाते हैं इसके अलावा और कोई थोड़ी बहुत जो है ना ने वो नेचुरल मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं तो है। यानी वो है। तलकीन करते हैं गुसल की खा बारह घंटे के बाद वो जैसा है नहीं तो वो कहते हैं कम अज कम बारह घंटे गुस्सल नहीं करना उसके बाद जिस वक्त मर्जी चाय कर ले। ठीक है शेख साहब ये दूसरा जो है ना पिछली हदीस के हवाले से मेरा सवाल है कि वो जो आपने फरमाया ना कि यानी कि यानी कि जिसकी जिसका पानी गलब आ जाए वो यानी कि अगर मर्द का पानी गालब आए तो जो है ना वो बच्चा होता है बल्कि हदीस में जो तशरी में लिखा हुआ है वो तो लिखा हुआ है कि अगर यानी कि उसकी मुशाबत होती है अगर बाप का पानी गालब आ गया तो बाप के साथ या बाप के खानदान के साथ मुशाबत होती है और अगर औरत का आ गया तो फिर औरत के ख़ानदान के साथ या औरत के साथ यानी उसमें यानी लड़की लड़के का को कोई ताल्लुक नहीं है इस बात से चले इसको मैं मजीद इंशाल्लाह देखूंगा जी ये जो गुलमा मुबारक साहब की वो उसमें जो है ना ये लिखा हुआ है ठीक है आई मुशावत वाली बात तो बिल्कुल वाज़े है ये तो यहाँ अमीन अना यकून शबह से भी बात जी वाज़े है चलिए दूसरी बात जो है लड़के और लड़की वाली वो इंशाल्लाह मैं उस पर मजीद एक बार भी रसा करूंगा ये जो अलामा मुबारकपुरी साहब की है ना बलूल मुराम जो शरा लिखी हुई है उन्होंने उसमें यही लिखा हुआ है सही है। चलिए आगे है गुसल इस्लाम। अब बयान फरमाते हैं फीसा थी सुमाम उमामा बिन उ के किस्से के बारे में इन दमा असलमा जब वो इस्लाम लाए थे

तो हुक्म वाली रिवायत मुकदम हुई ना इसलिए उन्होंने हुक्म वाली रिवायत यहाँ पे पेश की है और साथ में वैसे मुतफाकुन कह दिया कि बुखारी और मुस्लिम के अंदर भी ये वाक मौजूद है यहां नीचे इन्होंने पांच नंबर पे वो पेश नहीं किया हम इसको ना देखते हैं सफीुल बुखारी अतलिकुम जी ये है सही बुखारी में चार सौ बासठ नंबर पर इसमें है कि आप वसल्लम ने फरमाया था कि अतलिकोसुमामा सुमामा को छोड़ दो तो फन तला नखलीबल मस्जिद फगर तसाला दखल मस्जिद अब यहाँ फ़गर तसाला का लफा कि उन्होंने गुसल किया था तो अभी हमने मुसनफ अब्दुलरक वाली जो रिवायत पढ़ी है वहाँ इस बात का तस्कर करने का हुक्म दिया था तो हुक्म जो है वो वजू पर दलालत करता है तो यहां से मालूम हुआ कि गसल इस्लाम क्या है फर्ज है इसके मतलब वैसे ना? आरा तो हैं दो कुछ लोग इसको मुस्तहब मानते हैं उनकी दलील क्या है जी जो लोग इसको मुस्ताहब मानते हैं ना उनके पास दलील है कि नबी मुकरम के पास कई लोग आकर मुसलमान हुए हैं कई लोग आए हैं गसल का तज़करा नहीं मिलता एक दूसरी दिल्ली लोगों के पास ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मज़र को भेजा था यमन तो आप सल्लल्लाहु अलैहि सल्ला ने उन्हें फराइज और वाजबात बता दिए थे फरयज़ और वाजबात जो बताए थे अगर गसल वाजब होता फरज होता गुसल इस्लाम तो इसका हुक्म आपने क्यों नहीं दिया ये दो एतराजात हैं जिन एतराज़ा की बिना पर बाज हनफी मालकी और शाफी ये तीनों मसल के लोग क्या कहते हैं कि गुस्ले जुमा क्या है मुस्तहब आप कह सकते हैं लेकिन फर्ज वाला दर्जा इसका नहीं है इसका क्या जवाब दिया जा सकता है जी इसका जवाब ये है ये जो बात है ना कई लोग मुसलमान हुए तो गुसल आपने हुक्म नहीं दिया इस बात में कोई वजन नहीं है क्योंकि कई बिन आसिम रदी अल्लाह जब मुसलमान हुए हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हुक्म दिया है सुनन नबी दाऊद में ही जी कई बिन आसिम आसिम्ला की रवायत तीन सौ पचपन नंबर पर सुना नबी दाऊद के अंदर मौजूद है वो फरमाते हैं कि अत तो नबी इस्लाम मैं नबी मुकरम वसल्लम के पास हाजिर हुआ इस्लाम चाहता था फअमरनी अन अगत बिमासी तो आपने मुझे हुक्म दिया था कि मैं पानी और बेरी के पत्तों के साथ गुसल करूँ अमरनी अन अगतल तो उनका ये एतराज कि सिर्फ सुमामा बिन उसाल का ही मिलता है ना उनके अलावा तो नहीं मिलता तो ये देखें कईसबिन आसिम और का किस्सा मिलता है इसी तरह आप जानते हैं उमर खत्ताब अबिन ख़ाब के इस्लाम के हवाले से कोई तीन चार किस्म के वाक्यात हैं ये बात अलग है कि इस्तनादी तौर पर सनत के तौर पर हम सारे वाकयात को ज़ीफ़ तस्वुर करते हैं वाकत तो ज़ीफ़ हैं लेकिन अक्सर अहिल इलम जो है उनको तकवीत देते हैं ज्यादा वाकयात होने की वजह से तो उन वाकयात में एक ये भी तो है ना कि जब वो अपनी बहन के पास आगे बढ़े थे कि मुझे कुरान दिखाओ क्या पढ़ती हो तो उन्होंने कहा था कि इसको मुशरक आदमी हाथ नहीं लगा सकता है तो फिर वो गए थे साथ वाले घर में और जाकर गुसल करके आए थे और फिर आकर कुरान उनको दिया गया तो सूरत की तिलावत उन्होंने की थी तो अगर ये रिवायत यानी जिन अहलम के यहाँ यह सबित शुदा रिवायत है वाक़ सही है तो उनके यहाँ अगर ये रिवायत सही है तो इसके अंदर भी ये तस्करा मौजूद है गसल का तो गए इससे ये इनका एतराज़ काफूर हो गया कि ये जो बात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर आने वाले को जो है वो गसल की तलकीन तो नहीं की अच्छा और दूसरा इसमें क़ायदा है आदम जिक्री ला जम आदमा किसी चीज का तस्करा ना होना उस चीज के ना होने पर ही दलालत नहीं करता ये कायदा है आदमी किसी चीज का ना होना उस चीज के ना होने पर दलालत नहीं करता जिसकी कई बार वो मैं मिसाल वो देता हूँ समझाने के लिए आप जानते हैं इशारा कर देता हूँ आदमी बाहर से आया और उसने कहा कि तेज हवा चल रही थी ठंडी हवा चल रही थी बादल आए हुए थे और भागा भागा मैं आपके पास आ गया दूसरा उसी के साथ आया और आकर कहने लगा कि बारिश भी हो रही थी अब एक ने बारिश का तस्करा किया एक ने नहीं किया जिसने नहीं किया उसके बारिश का तस्करा ना करने के साथ बारिश की नफी तो नहीं हो गई अच्छा दूसरा ऐतराज क्या था भला लिखा था वो मिट गया क्या ऐतराज था बिन जबल को जब तस्वीर में देखे थे तो उन, उनको सारे बाजू बात बता दिए गए थे तो ये विकल्प तो नहीं बताए गए हाँ मुआदिब ने जबर रजी अल्लाह अन्हु को जब यमन भेजा था तो सारे वाजबात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिए थे तो गुस्ल अगर वाजिब होता तो इसका तज़किरा क्यों ना मिला हम्म

दिन और रात में पांच नमाजें फर्ज की हैं फिलह अगर वो इसकी इत भी कर लें ये भी मान लें आलिम तो उन्हें बताना कि अल्लाह किबुल्जत ने उन पर जक़ात फ़र्ज की है उनके मालों में तो खजुमिन अग्निया जो उनके मालदार लोगों से ली जाएगी वो तो रद्द अहिम और उनके फकीर लोगों पर लौटा दी जाएगी इसका रद्द क्या है कर सकते हैं इनके का, का रद्द होगा एतराज ये है कि अगर उसल होता, तो आप को बताते इसमें रोजे का भी तो नहीं बताया गया और इसमें रोजों का तस्करा नहीं हज का तस्करा नहीं और दूसरी वही अभी जो हमने कायदा पढ़ा है आदमी इसलिए इनका ये एतराज क्या हो गया काफूर हो गया और ये बात वाज होगी कि गुस्ले इस्लाम क्या है फर्ज है गो के मैं आपको बता चुका हूं अहनाफ इसी तरह मालकिया शाफिया सभी इस बात के कायल नहीं हैं हम आगे बढ़ते हैं गुस्ल जुमा के बारे में मैंने कहा था आगे बयान आ रहा है तो अब बयान आ गया है अबू सईद रल्ला से रिवायत है उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किया कि आप वसल्लम ने फरमाया

रसूल ने फरमाया दिन इसके साथ है मतलब उसने सुन्नत को पा लिया या पा लिया जी वमत और उसने अच्छा किया वनी और जिसने गसल किया फल गसलू अफाल तो गसल ज्यादा फजिलत रखता है इन दोनों रिवायतों को मिलाएं तो क्या बात सामने आती है कोई बता सकते हैं व्हाट्सएप कॉल वाले आज खामोश हैं तो यही है कि का उसल जरूरी है। यहां रहे। वो है, कि का जरूरी लिखी फर्ज नहीं कर लिया जाए तो बेहतर है हाँ जी, है। जी, है। आप क्या कहने लगी हैं? जी गुसल अफजल है कर ले तो बहुत अच्छा है अच्छा जी और कोई मेरे ख्याल में आप सभी इनसे मुतफिक हैं तो फिर हमारी बात तो आपको अच्छी नहीं लगेगी इसका मतलब वाजिब है सुबह अब आपने हुक्म क्यों चेंज किया मुझे देखकर बस अगर तो मुझे देखकर किया फिर तो आप मुकलदा हुई मुकलद बनना तो सही नहीं 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 साथ तो अभी समय दोबारा गौर से पढ़ा है मैं जो पहले आपने दिस बताई है उसको तो इससे फिर यही जाहिर होता है कि ये वाजिब है नहीं तो फिर इसको क्या करेंगे फलगुसल को शेख सा वो जो पहली हुम भी है और बिल्कुल वाज़े है तो दोनों रिवायतों को जब जमा करेंगे तो जो ज्यादा हुक् वाजे उसी के ऊपर अमल करेंगे और जिम्मे का गर्ज है लेकिन अगर कोई बंदा किसी मजबूरी के तहत कोई हो जाता है ना कोई इस तरह का मसला के नहीं कर सकता वो तो वो तो लहदा मामला है मजबूरी में लेकिन आम हालात में फर्ज है सही है ठीक है देखें जो वाजिब है या फर्ज इसमें कोई फर्क नहीं है जी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वाजिब है जब नबी वसल्लम बिल्कुल वाजे फरमा रहे हैं कि वाजिब है हम कहें जी नहीं वाजिब नहीं मुस्तहब है सुन्नत है जी अफजल है वगैरह वगैरह रही बात ये वाली कि फल गसलू अफजल इसके मुताबिक बेहतरीन जवाब यह है जो मैं समझ पाया कि किसी भी चीज की फजीलत किसी भी चीज की फजीलत उसकी फर्जियत को फर्जियत की नफी नहीं करती किसी भी चीज की फजीलत उस चीज की फर्जियत की नफी नहीं करती किसी भी चीज की फजीलत उसकी फर्जियत की नफ़ी नहीं करती कुरी में इसकी बड़ी वाज मिसाल है वा किताब और अगर अहल किताब ईमान ले आए तो ये उनके लिए बहुत, बहुत बेहतर है क्या मतलब ईमान ना लाए तो कम बेहतर हुआ अब ईमान लाना जो बेहतर है इस लफ्ज बेहतर ने उन पर जो ईमान लाना वाजिब था उस वजूब को तो ख़त्म नहीं किया तो कितने काम शरीयत में ऐसे हैं करना फ़र्ज है लेकिन अल्लाह इज्जत उसका अजर आपको दे रहे हैं और बल्कि नफल से तो ज्यादा अजर मिलता है फ़र्ज का इसलिए यहाँ चू करते हैं लोग बड़ी अजीब बात है उसल जुमा के हवाले से अलबत्त ये अकाबिर में भी अकाबिर जो हैं उनकी बात तो अलग है ना क्योंकि वो तो इश्तेद के दर्जे पे फा, फाइफ हैं वो अगर अख्तलाफ इससे कर भी लेते हैं तो ठीक है उनका इख्तलाफ बजा लेकिन हमें अपने तौर पर मालूम होना चाहिए कि असल राय क्या है बाकी भी आप इख्तलाफ कर सकते हैं क्योंकि आपको भी हक हासिल है अख्तिलाफ करने का जी यहीं तक इनशाला हम पढ़ेंगे किसी ने कोई बात करनी हो वो कर सकते हैं मतलब है, ये वाजिब है मह तलीम में सारे आ रहे हैं

जो है ना इसतिसना वो तो हासिल है मरीज को मुसाफिर को ग़ुलाम को जी वगैरह वगैरह वो तो हासिल है औरत का भी है इसतितना अगर आप इसको उसके साथ यानी उस इल्लत के साथ अगर आप इसको करते हैं ना तो फिर आपको ये भी कहना पड़ेगा जिस तरह इमाम अब ने कहा या दिगर ने कहा कि अगर आपने जुमा पढ़ने के लिए जाना है तो फिर ज़रूरी है मतलब आप जुमा पढ़ने के लिए गए ही नहीं तो फिर आप पर जरूरी भी नहीं है और फिर इस पर एक और बात भी उन्होंने कही कि अगर तो कपड़ों से स्मेल आ रही है क्योंकि ये इल्लत तो यही थी कि साहबा कराम वो आते थे और कपड़ों से जो है ना वो शराबूर होते थे पसीने के साथ ही तंग होते थे तो आप सल्लाम ने हुक्म दिया तो जिन्होंने यहाँ सिर्फ इल्लत का ही एतबार किया उन्होंने कहा कि जो साफ सुथरा आदमी है जिसका लिबास बिल्कुल उमदा है उस पर तो वाजब भी नहीं है गुसल तो अगर इल्लतों को देखेंगे फिर तो और फिर यहाँ गुस्लुल जुमा आती है जबकि दिगे रिवायतों में गुस्लु गसलू जुमा है गुस्लु गसलू जुमा के अल्फाज भी हैं अब यौम का इतलाक तो सुबह से लेकर ये मगरिब तक होता है तो यहीं से तो आलम कहते हैं कि जिस आदमी ने जुमा नहीं पढ़ा तो चले जुमे के बाद वो गसल कर ले अजान मगरब से पहले पहले तक वो गसल कर ले और फिर दीगर अहदिश से ये भी मालूम होता है कि आप वसल्लम ने फरमाया कि हफ्ते में कम से कम एक गुसल जो है जुमे का वो तो करना चाहिए कोई खीन में ऐसे है तो, तो उन्होंने नहीं किया देखें जो है तो... खात्याम वाली हैं या दीगर मामला हैं वो बातें तो बिल्कुल ही अलग हैं लेकिन मोह तलीम से हम इन्हें खारिज कैसे करेंगे ये करीना चाहिए शरी अहकाम में मर्द और औरत बराबर हैं या नहीं जी अगर तो हैं तो फिर यहाँ करीना चाहिए उसको खारिज करने का उस्ताद जी भुटवी साहब ने लिखा है फत सलाम में जो उनकी सही बुखारी की शरह ना अभी वो आहिस्ता आहिस्ता वो लिख रहे हैं और साथ साथ छप रही है अभी सिर्फ दो जिले आई हैं उसमें जो उन्होंने बात लिखी उसका खुलासा यह है कि मुझे तो अब पता चला कि लोग गुस्सें जुमा के बारे में भी इख्तलाफ करते हैं और कहते हैं कि मैंने तो आज तक ये गसल छोड़ा ही नहीं है अच्छा उनका ये आ, वहां से एक तराशा लेकर जिसने व्हाट्सएप पर शेयर किया उसने भी साथ लिखा कि मैंने भी आज तक ये गसल कभी नहीं छोड़ा उस पर कमेंट करने वाले ने लिखा कि मुझे भी आज पता चल रहा है कि ये भी मुहदसिन में इख्तिलाफी मसला है <laughs> अल्लाह तो ये तो एक बदी ही चीज है कि ये ईद का दिन है और सभी इसमें नहाते हैं सभी गुसल करते हैं और घरों में भी ये चीज़ आम है अलहमदिल्ला खातन भी इसका खूस तौर पर इल्तज़ाम करती हैं बाकी करीना चाहिए करीना अगर मिल जाए तो अभी हाँ बहुत अच्छा है मौलवी नजम बात करने लगे थे अस्सलाम वालेकुम ये सब ये कि अगर एक आदमी बहुत ज्यादा बीमार है ठीक है ना तो जुमे का दिल हो उसने जुमा भी पढ़ना तो गुस्सा उसके मतलब उस पर फर्ज है वो मरीज वो है क्या? मरीज के लिए इजाजत है है वो जुमा पढ़ सकता है हां हां जुमा पढ़े आकर जुमा पढ़े फिर इसका मतलब है कि जो है ना औरतें अगर जुमा के ना जाए तो फिर भी उनके समझ आ रही है, जी। यौम का है ना गसलो युजुना लफ भी है अभी जो अब्दुलरहमान ने लिखा है उसका जो अभी यही है ये जब मर्जी नहीं है असल करना वो जुमा की अदायगी से पहले पहले ही है वक़्त इसका यही है लेकिन अगर किसी का रह गया है तो चूंकि योम का लफज तो है ना वो आ, उमर अनु खुतबा दे रहे थे ना जी जी ते एक सहाबी रसूल लाए मालूम है ना किस्सा वो जी आप बयान फरमा देंगे मुबारकपुरी साहब ने लिखा है इसमें पता नहीं उनकी हाँ वो कहते हैं है। तो यही लिखा है जी वो जो पहला था, वो उनका हो गया ना वो कह रहे हैं कि वाजिब को अफजल नहीं कहा जाता गिबा इसी वजह से जमहूर ने वाजब से भी माने मुराद नहीं मौजूदा है अपना जो है शेख इशादुल्ला कसीरी साहब ये भी के कायल हैं कराची में सतारिया के शेखी शेख, शेख महमूदुल हसन साहब एक बार मुलाकात हुई थी कराची में तो वो अपना उन लतीफा उन्होंने एक सुनाया था उसमें कि ये किस्सा भी उन्होंने साथ हमें बताया और ये वो भी इसी बात के कायल है के इसबाब ही राजे हैं वगैरा वगैरा एक ने लिखा है कि हम रात को कर सकते हैं नहीं रात को नहीं योम के लफज हैं रात को सूरत तो पढ़ सकते हैं क्योंकि लैला के अल्फाज मिल जाते हैं जुमे रात की मगरब की नमाज के बाद तो कर सकते हैं उसल के नहीं 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 यौम नहीं 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 योम का लफज है ना यही जिक्र कर रहे हैं अच्छा अच्छा यहाँ योम का जिक्र है अलबत् जो सूरत है ना वो पढ़ सकते हैं ये जो अब्दुलरहमान अभी बात कर रहे थे ना उस हवाले से ये रिवायत मैंने आपके सामने इसको रखा है कि उमर उद्यन वो जो महाजरीन अवलिन में से एक सहाबी रसूल थे यहाँ नाम जिक्र नहीं किया गया वो जब आए तो आपने पूछा कि अति साथ हादी ये कौन सा टाइम है आने का गुजर पेश किया कि इन शुगिल तू तो आगे उन्होंने जिक्र किया फलम अजीतव बस वज़ू ही कर सकाउ इससे ज्यादा कुछ नहीं किया तो इस पर भी उन्होंने डा, डांटा कि वन वजू आईजन बस वजू करके आगे हो तो यहाँ से मालूम होता है कि असल इसका वक़्त वो उसके जुमा का जुमा की अदायगी से पहले पहले है ताकि हशाश बशाश होकर अल्लाह के घर में अल्लाह के बंदों के साथ हाजिरी दी जाए वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि तो व बरकातहू शेख सूरह काफ वाली जो हदीस है जुमे वाले जुमे वाले जुमे को

लेकिन देखा जाए तो दोनों रिवायते हैं, ये काबिल एतबार है इनशल जी मौलाना अबू आब्दरहमान सलमकल आप मजीद इस बारे देखिएगा नहीं वैसे अमल तो यही है शेख साहब जो फरमा रहे हैं ना अभी हाँ वो तो वैसे एक मसला आ गया ना ज़मीनी बात लेकिन यही है कि हम करते हैं। और जब से इस बात की समझ आई है कर रहे हैं। के कर रहे हैं। और लोगो को भी यही कहते हैं ये फर्ज है अल्लाह आलम अभी आगे ज्यादा गहराई का तो पता नहीं घर वालों को भी तलकीन करें जिस तरह बाकी है

सॉरी सर बीच में से एक सवाल क्लास से हटके हैं कल हम तिलावत कर रहे थे तो uh, सूरत में uh, जो पाकिस्तानी मसहफ है उसमें आय, आयत sorry, रूम आयत नंबर सॉरी सूरत आयत नंबर फिफ्टी फोर इसमें जो अरेबिक मसहफ है uh, उसमें एक आयत के अंदर मिन है के जबर आ रही है और जो पाकिस्तानी मसहफ है उसमें पेश आ रही है अल्लाह तो आप सही अदायगी अगर आप पता है तो बता दीजिए hmm. के ऊपर फतेह ही राजे मालूम हो रहे बाकी यहाँ कोई क्लास में ऐसे साहेब हैं जिन्होंने किराते अशरा कुबरा वगैरह कोई की हुई है ऐसे साथी लगता है कोई नहीं है आद का फर्क होता है ना जी खरा आत का फर्क होगा

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. <applause>